अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं काशा नास आर्ट एंड कैलीग्राफी चैनल। आप सभी को मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम बनाने वाले हैं रोज़, रेड रोज़, ब्लडी रोज़। तो मेरे जो रोज़ तो आप सबको ही बहुत पसंद होता है, गर्ल्स ख़ास तौर में उन बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं रोज़ को। रोज़ पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है। तो आज हम रेड रोज़ बना रहे हैं। रोज़ पेंटिंग तो आपने देखी होगी, लेकिन आज हम बना रहे हैं ब्लडी रोज़। ब्लडी रोज़ जो है थोड़ी रेड सैड पेंटिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अमेजिंग लुक में होगी, जो आपने कभी ना बनाई होगी ना आपने कहीं देखी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही हूँ रेड ब्लडी रोज़। उसके लिए मुझे चाहिए रेड पेंट, ग्रीन लीव्स के लिए, रेड रोज़ के लिए एंड ब्लैक शेड्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम रेड रोज़ निकाल लेते हैं। पहले सबसे हम ब्लड बनाएंगे। ब्लड बनाने के लिए हमें चाहिए रेड, ब्लैक, ब्लैक मामूली सा चाहिए। सो हमने रेड कलर ले लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, ब्रश लेंगे, कलर बिल्कुल पानी चाहिए हमें। जिससे आपके कलम से टपके इतना पानी चाहिए, ठीक है। ड्रॉप बनाने हैं, समझ लें कि आप एक ड्रॉप बना रहे हैं। ड्रॉप समझते हैं, अगर आप ड्रॉप समझते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। इतना पानी हो कि ये लाइंस नीचे आ जाए। ये देखें, अब ये खुद आ रहा है। इसी तरह चल के आप लोगों ने ड्रॉ बना लेनी है लाइंस बाय लाइन। ये खुद ही नीचे आएगा जब आप इसमें पानी शामिल करते रहेंगे, पानी ऐड करते रहें। ठीक है, जैसे आपका लुक ब्लड का आना चाहिए। अच्छा, आपको ड्रॉप दिख रहे होंगे। अगर आपको ड्रॉप बनाने हैं, इसी तरह से आप बारिश के ड्रॉप भी बना सकते हैं अपनी पेंटिंग में, कि लुक भी बहुत ओरिजिनल आएंगे। जब तक ये नीचे ना आए तब तक आप इसमें वाटर डालते रहें। ये ड्रॉप आपके सामने बन रहे हैं। यहाँ स्टॉप कर देना, ठीक है।
ठीक है, ये तो हमारे ड्रॉप हो गए हैं, यानी कि आपके ब्लडिंग जैसे हो रही हो रोज़ में उस टाइप के। ये लीजिए, अब आपने इस रेड लेना है कलर, ओनली रेड, और आपने इसको ऊपर से थिक सी एक लेयर्स दे देनी है। थिक सी लेयर है, इसमें वाटर शामिल नहीं है, मैंने खाली पैंट उठाया है।
ठीक है। अच्छा ये जो लिप्स हैं इसके अंदर भी, शायद के शेड्स बनाएंगे वाइट से। तो फाइनली मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है, शेड्स भी मैंने इसमें डाल दी हैं। अगर आप शेड्स नहीं डालेंगे तो आपकी पेंटिंग लुक में अच्छी नहीं लगेगी। इस तरह से आप लोगों ने शेड्स डाल लेने हैं और अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लेना है। इंशाल्लाह आपको मेरी पेंटिंग बहुत पसंद आएगी, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी और आपको बनाने में कितनी अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, न्यू आइडिया लेके हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।